अगर आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते तो अपनी आदतें तो बदल सकते हो, और आपकी ये बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदल देंगी। नमस्कार, मैं तेजेंद्र सिंह और आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल UTT नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि पता है आपको कि हमारे इंग्लिश रिविज़न क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आज हम पहुँच गए हैं दोस्तों डे 15 यानी कि 15वें दिन में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिल्कुल समय को देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टार्ट पर चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे आज हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे टेंस की। दोस्तों क्या चीज़ दोस्तों? टेंस की, यानी कि दोस्तों टेंस, द टेंस, इसको दोस्तों हम हिंदी में बोलेंगे काल। तो जिस तरह हिंदी में तीन काल होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी मुख्यतः तीन काल होते हैं, जो निम्न है। नंबर फर्स्ट है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस, भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस, भविष्य काल यानी कि फ्यूचर टेंस। इन तीनों में प्रत्येक के चार चार भेद होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टीन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो अब हम देखते हैं आज नीचे यहाँ पे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे यहाँ पे वर्तमान काल यानी कि दोस्तों प्रेजेंट टेंस की दोस्तों। ओके, इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। तो दोस्तों डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। तो वर्तमान काल के वाक्यों से कार्य के अभी हो जाने का भाव होता है, जैसे आई एम रीडिंग द बुक यानी कि मैं पढ़ रहा हूँ। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस परिभाषा क्या है दोस्तों? इस काल में किसी कार्य का वर्तमान काल में होना तथा किसी मनुष्य या व्यक्ति की आदत को प्रकट किया जाता है। इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? क्रिया में ता, ती, ते से प्रकट होते हैं। तो बनाने के नियम क्या है दोस्तों? नंबर फर्स्ट हमारा रूल्स है यहाँ पे, यदि कार्य करने वाला कर्ता एक वचन में है तो वाक्य में क्रिया की पहली अवस्था यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किया जाता है। आई के साथ क्रिया में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे, यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं दोस्तों, हम इसका हम उदाहरण समझ लेते हैं इसके। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट हमारा जो उदाहरण है यहाँ पे, ए हमारा गीता गाती है, तो इसको पढ़ेंगे हम गीता सिंग्स, यानी कि दोस्तों जो हमारी फॉर्म है उसमें एस लगा दिया तो ये गीता सिंग्स। बी है हमारा यहाँ पे मंजू स्कूल जाती है, तो मंजू गोज टू स्कूल यानी कि गोज, जो हमारी गो है, जो फॉर्म है हमारी गो टू, तो उसमें गो में हमने ई एस लगा दिया, तो क्या बन गया हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यहाँ पे सेंटेंस बन गया दोस्तों। सी हमारा मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा जो सेकंड है हमारा, अगर कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन में है तो वाक्य में क्रिया पहली अवस्था में एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों उदाहरण के तौर पे समझ लेते हैं हम यहाँ पे, वे घर जाते हैं तो दे गो होम। अब देखिए जो हमारी जो फॉर्म है यहाँ पे वर्ब की फॉर्म है हमारी गो, तो इसमें हमने एस या ई एस नहीं लगाया है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमारी जो यहाँ पे जो करता है वो क्या है? बहुवचन है। बी है हमारा हम उसे प्यार करते हैं, वी लव हिम। थर्ड रूल है दोस्तों, यदि वाक्य प्रश्नवाचक है तो शब्द डू या डज का प्रयोग होता है कर्ता के अनुसार। यदि कार्य करने वाला कर्ता एक वचन है तो डज का प्रयोग होता है, कर्ता से पहले एस या ई एस हट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, क्या नीलू गाती है तो डज नीलू सिंग। बी हमारा, क्या रीता स्कूल जाती है तो डज रीता गो टू स्कूल। नियम नंबर टू है हमारा दोस्तों, यदि कार्य करने वाला कर्ता बहुवचन है और वाक्य प्रश्नवाचक है तो डू का प्रयोग किया जाता है, कर्ता से पहले एस या ई एस हट जाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, ये हमारा क्या वे घर जाते हैं तो डू दे गो होम। बी हमारा, क्या हम उसे प्यार करते हैं, डू वी लव हिम। अब हमारा यहाँ पे जो हमारे एग्जांपल और समझ लेते हैं इसको हम यहाँ पे अच्छी तरीके से। तो फर्स्ट भाग है यहाँ पे दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं सेंटेंस की, मैं पत्र लिखता हूँ तो ये बनेगा दोस्तों आई राइट ए लेटर। सेकेंड है हमारा, तुम पत्र लिखते हो, यू राइट ए लेटर। थर्ड है हमारा, हम पत्र लिखते हैं, बी राइट ए लेटर। फोर्थ है हमारा, वे पत्र लिखते हैं, दे राइट ए लेटर। पाँचवा है, मिन्नी पत्र लिखती है, मिन्नी राइट्स ए लेटर। सिक्स है हमारा, विजय पत्र लिखता है, विजय राइट्स ए लेटर।
अब दोस्तों हमारा जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रीन पे आप, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस है, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। तो आई डू नॉट राइट ए लेटर, तुम पत्र नहीं लिखते हो। यू डू नॉट राइट ए लेटर। थर्ड है हमारा, यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, थर्ड है हमारा यहाँ पे, हम पत्र नहीं लिखते हैं। बी डू नॉट राइट ए लेटर। ओके, वे पत्र नहीं लिखते हैं। दे डू नॉट राइट ए लेटर। पाँचवा है, मिन्नी पत्र नहीं लिखती है। मिन्नी डज नॉट राइट ए लेटर। सिक्स है हमारा, विजय पत्र नहीं लिखता है। विजय डज नॉट राइट ए लेटर। अब दोस्तों हम यहाँ पे नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं, यहाँ पे भाग थर्ड के बारे में बात करेंगे। तो भाग थर्ड का हमारा पहला सेंटेंस है, क्या मैं पत्र लिखता हूँ। तो डू आई राइट ए लेटर। सेकंड है, क्या तुम पत्र लिखते हो। डू यू राइट ए लेटर, क्या हम पत्र लिखते हैं। डू बी राइट ए लेटर। फोर्थ है हमारा, क्या वे पत्र लिखते हैं। डू दे राइट ए लेटर। पाँचवा हमारा, क्या मिन्नी पत्र लिखती है। डज मिन्नी राइट ए लेटर। सिक्स है हमारा, क्या विजय पत्र लिखता है। डज विजय राइट ए लेटर। अब समझ लेते हैं दोस्तों, हमारा भाग फोर्थ है हमारा, यहाँ पे इसको समझ लेते हैं, क्या मैं पत्र नहीं लिखता हूँ। तो डू आई नॉट राइट ए लेटर। सेकंड हमारा, क्या तुम पत्र नहीं लिखते हो। डू यू नॉट राइट ए लेटर। थर्ड है हमारा, क्या हम पत्र नहीं लिखते हैं। तो ये बनेगा दोस्तों हमारा, डू बी नॉट राइट ए लेटर। फोर्थ है हमारा, क्या वे पत्र नहीं लिखते हैं। डू दे नॉट राइट ए लेटर। पाँचवा हमारा, क्या मिन्नी पत्र नहीं लिखती है। तो डज मिन्नी नॉट राइट ए लेटर। तो ये थी दोस्तों हमारा जो सिक्स हमारा यहाँ पे सेंटेंस और है, यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, क्या विजय पत्र नहीं लिखता है। डज विजय नॉट राइट ए लेटर। तो ये दोस्तों थी आज की हमारी शानदार ज़बरदस्त क्लासेस, इंग्लिश रिविजन क्लासेस डे 15 के, हमारे बात करी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की दोस्तों। तो कल मिलेंगे दोस्तों नई न्यू वीडियो में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों फिर वही एक बार, अरे क्यों भरोसा करता है घरों पर जब तुझे चलना है अपने ही पैरों पर। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।